हाय फ्रेंड्स, फिर से मेरी चैनल के ऊपर आप सबका बहुत दिल से स्वागत है। एक्चुअली बीच में काफी दिन चले गए तो मुझे लगा कि एक बार बीच में हाय हेलो कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरे माइंड में काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सो एक दो मेरे प्रोजेक्ट आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और दूसरा, आज एक बहुत अजीब चीज हुई मेरे साथ। मैं सब पुरानी बुक्स देख रहा था, मेरी नोटबुक्स देख रहा था जो मैंने करीबन 10 साल पहले लिखी थी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बुक रंग दे रे मन, गुजराती में इट्स अमेजिंग बुक, मैंने 10 साल पहले लिखी थी। 2008 में वो बुक रिलीज हुई थी और अभी बहुत जल्दी इंग्लिश में होने वाली है। पर क्या हुआ कि वो बुक लिखने में मुझे 2 साल लगे थे और वो 2 साल के बीच में मैंने कई अलग अलग जर्नी की। जैसे एक मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं एक ऐसी जगह पे गया था गुजरात में जहां 6 दिन कम्प्लीटली मैं साइलेंस में रहा था। माने आसपास में कोई नहीं है, मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया था 6 दिन के लिए। और छोटे से एक विंडो में से मुझे रोज खाना मिलता था और 2 टाइम खाना मिलता था, और उसके अलावा और कुछ नहीं। ना कोई आवाज़ है, ना कोई व्यक्ति है, ना मैं नेचर को भी इवन देख सकता हूँ। जो भी देखना है वो खुद के अंदर देखना है। सो इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। अब हुआ क्या कि वो 6 दिन कंप्लीट करने के बाद जब मैं सुबह में बाहर निकलने वाला था, आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि कंप्लीटली 6 डेज जब आप अपने साइलेंस में होते हैं, दूर दूर तक और कोई नहीं है, तो एक अद्भुत अनुभव होता है। जिस दिन मुझे बाहर आना था 6 दिन के बाद, उसकी एक रात पहले एक अलग फ्रीडम का एक्सपीरियंस हुआ। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स, इट वॉज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और उस वक्त जो मैंने लिखा था, मुझे लगा कि यार मैं कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने करीबन समझो 10 मिनट में 10 कविताएं लिखी। वो सभी गुजराती में है, सो मैं पूरा तो सब कुछ नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक कविता डेफिनेटली आपके लिए पढ़ूंगा। गुजराती में है, आपको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। ये 10 साल के बाद ये डायरी मेरे हाथ में आई। इट्स अ नोटबुक, इसमें मैंने मेरी जो किताब है उसको हाथ से लिखा है, पेंसिल से लिखा है, मैन्यूस्क्रिप्ट। सो पर्सनल डायरी तो मेरी अलग होती है, लेकिन ये जस्ट मैंने 10 मिनट में 10 कविताएं लिख ली, ऐसे सब ड्राइंग बना रहा था। सो एक चीज मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको, मीनिंग थोड़ा सा गहरा है, इट इज समथिंग अमेजिंग। वो मेरे दिल से निकली हुई बात है, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। सामान पैक करो, दिवसों पूरा थया, इट इज अबाउट लाइफ। एक दिन ऐसे ही होने वाला है और हमें पता नहीं चलेगा और लाइफ का टाइम पूरा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इट वॉज ग्रेट फीलिंग इनसाइड। सामान पैक करो, दिवसों पूरा थया, बस हजी तो हमणा ज आव्या हता, अने दिवसों पूरा पण थई गया। जब जीवन का अंत होने आता है तब ऐसे ही होता है कि यार अभी तो मैं आया था, अभी तो बहुत कुछ करना है और पता नहीं दिन हमारे खत्म हो गए। बस हजी तो हमणा आव्या हता अने दिवसों पूरा पण थई गया। बधुज केटलू निश्चित छे, समय समय थया ज करे छे। सब कुछ कितना निश्चित है, डिसाइडेड है, और अपने समय समय पे होता ही रहता है। तो पछी विरोध के अवरोध शैनो, बधुज निश्चित छे, समय समय थयाज करे छे। तो पछी विरोध के अवरोध शैनो, पड़वा दो ने सवार, मारो सामान तो तैयार ज छे। सी इट इज लाइक दिस इज रियल फ्रीडम। You are ready for anything, anytime, और वो एक गजब स्ट्रेंथ देता है लाइफ में, कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम देता है लाइफ में। You are ready for anything, my dear. So friends, बहुत सारे और भी न्यूज़ हैं, जैसे मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट है जो मुझे आपसे शेयर करना है, पर बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, मे बी 2-3 दिन के बाद ही आपसे शेयर करूंगा।
कल मैं ऋषिकेश जाने वाला हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज है जो वहाँ जाने के बाद मुझे आपसे शेयर करना है और एक नए प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। सो जल्दी से मिलते हैं फिर से एक बार। लेकिन आप बहुत सारे फ्रेंड्स को ये चैनल सब्सक्राइब करने का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। राइट लॉट ऑफ कॉमेंट्स। सी यू, बाय बाय।